कभी साइकिल कभी बाइक और कभी ऑटो राइड लेने वाले सलमान खान हैज नाउ टेकन ऑन अ टैक्सी राइड। विश्वास नहीं होता तो खुद ही देखिए सलमान खान का ये दबंग एक्ट, जहां मीडिया के कैमरास की परवाह किए बिना सलमान ड्रोव ऑफ इन दिस स्कूल कैब। बट बिफोर यू गेट अ बिट टू फैसिनेटेड विद सलमान्स एक्ट, लेट अस टेल यू कि सलमान को ये कूल कैब मजबूरी के चलते लेनी पड़ी, और मजबूरी ये थी कि हाल ही में हुए डीवाई पैटल एनुअल अचीवर्स अवार्ड में स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए सलमान यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ से घर लौटते हुए उनकी कार हो गई अनअवेलेबल, और कार का इंतजार करना सल्लू को नहीं था एक्सेप्टेबल, तो बस इसीलिए सलमान चोज दिस ऑप्शन टू राइड ऑफ इन अ कूल कैब। एंड नो डाउट सलमान के इस एक्ट ने एक बार फिर उन्हें दिलाई काफी लाइमलाइट। रही बात उस टैक्सी ड्राइवर की, तो इट्स बेटर वी डोंट ट्राई टू डिस्क्राइब हिज एक्साइटमेंट इन वर्ड्स। एनीवे, टॉकिंग अबाउट अदर सेलिब्रिटीज प्रेजेंट एट डीवाई पैटल एनुअल अचीवर्स अवार्ड, सलमान के बाद यहाँ मोस्ट स्ट्राइकिंग एंट्री और एग्जिट रही दीपिका पादुकोण की। Dressed in our golden black traditional wear, Deepika surely grabbed a lot of eyeballs. और जब बारी आई इस one of its kind award पर अपनी राय जाहिर करने की, तो दीपिका के पास था ये जवाब। जब लोग मुझे appreciate करते हैं, तो obviously अच्छा लगता है। But the highlight came across जब हमने दीपिका से ये पूछ लिया कि according to her, which Bollywood star deserves this award? Caught unaware, पहले तो दीपिका ने ले लिया सलमान खान का नाम। I think सलमान को मिलना चाहिए, उनको मिला है शायद। लेकिन उसके तुरंत बाद सलमान के दुश्मन शाहरुख की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली Poor Dippy soon realized what she had just said. और फिर Dippy baby ने कुछ इस तरह किया कवर अप। रावण देखने के बाद आई थिंक शाहरुख को भी मिलना चाहिए। वैसे ये तो थी इस इवेंट की कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स। बट अपार्ट फ्रॉम दीज, लेट्स नाउ मूव ऑन टू अदर सेलिब्रिटीज हु अटेंडेड दिस अवार्ड फंक्शन। ईशा कोपिकर, फरदीन खान, आशुतोष गोवारीकर, यश चोपड़ा एंड मेनी मोर सेलिब्रिटीज अटेंडेड दिस अवार्ड, और सभी ने यहाँ बताया दैट हाउ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ दीज अवार्ड्स इज कमेंडेबल। सही अवार्ड यहाँ पे हो रहे हैं। यश को अवार्ड मिल रहा है, दीपिका को मिल रहा है, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से काफी लोग कर रहे हैं। इट्स अबाउट ऑल द प्रोमिनेंट पीपल कमिंग टुगेदर, बी इट म्यूजिक, बी इट एक्टिंग, बी इट इंडस्ट्रियलिस्ट, एवरीथिंग, इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म। इट्स अ क्लीन एग्जांपल ऑफ हाउ टू गेट द गाइस हु आर जूरी and what kind of people should be awarded. So well, kuch yun political aur entertainment industry ke jaane maane logon ke beech pura hua ye award function, jiski highlight rahi dabang Salman ka ye cool cab act.